अगर बन गई इंडिया सरकार तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? सचिन पायलट ने दिया इस सवाल का जवाब। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग से पहले राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट ने एबीजी न्यूज को इंटरव्यू दिया है। जब उनसे पूछा गया कि अगर इंडिया अलायंस जीतता है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उन्होंने कहा कि ये फैसला लेने में एक दिन लगेगा। पायलट ने कहा कि जैसे कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पहले हमें जनता का आशीर्वाद मिलना चाहिए, तभी तो हम आगे की बात करेंगे कि कौन बनेगा। क्या राहुल गांधी बनेंगे देश के पीएम? रॉबर्ट वाड्रा ने दिया ये जवाब। चुनाव लड़ने पर भी तोड़ी चुप्पी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने लोकसभा चुनाव 2024 में धर्म की राजनीति को लेकर प्रतिक्रिया दी। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं धर्म की राजनीति नहीं करता, मैं समाज सेवा करता हूं, मुझे किसी पद की जरूरत नहीं है, सुख शांति बनी रहे। रॉबर्ट वाड्रा ने राहुल गांधी को पीएम के रूप में देखे जाने के सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी की सोच और मेहनत देखता हूं। अगर राहुल पीएम बनेंगे तो लोगों के लिए काम करेंगे, हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। राम मंदिर के बाद अब क्या करेगी बीजेपी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में बता दिया प्लान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी का मंत्र है विकास भी विरासत भी। मोदी ने कहा कि अभी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, अब निषाद राज के श्रृंगवीरपुर का विकास भी किया जाएगा। श्रृंगवीरपुर राम मन गमन पथ का प्रमुख तीर्थ बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि क्या सपा कांग्रेस वाले कभी भी ये काम करेंगे? गोली पर ईवीएम भारी, कश्मीर घाटी ने वोटिंग में बनाया रिकॉर्ड। पीएम मोदी ने भी की तारीफ। लोकसभा चुनाव 2024 में कश्मीर घाटी नए चुनावी रिकॉर्ड बना रही है, जबकि अलगाववादी राजनीति और आतंकी हिंसा का ग्राफ नीचे की ओर है। संसदीय चुनाव के चौथे और पांचवें चरण के दौरान श्रीनगर और बारामूला लोकसभा क्षेत्रों में वोटर्स के भारी मतदान के बाद अनंतनाग राजौरी सीट पर भारी वोटिंग की उम्मीद है, जहां 25 मई को मतदान होना है। मनीष सिसोदिया को लगा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में नहीं दी जमानत। दिल्ली शराब नीति मामले में मंगलवार यानी 21 मई को मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। पहले निचली अदालत ने उनकी हिरासत बढ़ा दी और अब दिल्ली हाई कोर्ट से भी मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने मनीष सिसोदिया और ईडी के वकीलों की संक्षिप्त टिप्पणियों का भी जिक्र किया। आदेश पढ़ते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रायल कोर्ट के अधिकार पर अंतर नहीं पड़ता। इब्राहिम रईसी को हजारों लोगों ने दी अंतिम विदाई, फिलिस्तीनी झंडे के साथ दिखे समर्थक। ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अंतिम यात्रा में मंगलवार को हजारों लोग शामिल हुए। अजरबैजान की सीमा के पास रविवार को हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने से ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री समेत अन्य 7 लोगों की मौत हो गई थी। ईरानी राष्ट्रपति की मौत के बाद पूरे ईरान में शोक की लहर है। अंतिम यात्रा में हजारों लोग काले कपड़े पहनकर शामिल हुए। लोगों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। आधुनिक हथियारों से लैस ईरान के गार्ड भीड़ की निगरानी कर रहे थे। ईरान के अधिकारी अपने नेता की अंतिम विदाई के दौरान भाषण दिए और शोक संगीत बजाया गया। अनुप्रिया पटेल की पार्टी में बगावत, इस नेता ने छोड़ा 7 सवर्णों की उपेक्षा का लगाया आरोप। लोकसभा चुनाव के बीच अपना दल एसके प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा दिया गया बयान अब मुसीबत बनने लगा है। उन्होंने कुंडा विधायक राजा भैया के खिलाफ दिया गया बयान महंगा पड़ते हुए नजर आ रहा है। मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने पद छोड़ दिया है। उन्होंने पार्टी प्रमुख पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल का अमित शाह पर निशाना, ब्रजभूषण सिंह को बचाने वाले। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में वोटिंग से पहले नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। राजनीति दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच स्वाति मालीवाल केस को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। वहीं अब सीएम केजरीवाल ने मणिपुर की घटना, ब्रजभूषण सिंह पर लगे आरोप समेत कई मुद्दों का जिक्र कर अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। बड़सर में ईमानदार को दिया टिकट, बेईमानी से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बीजेपी प्रत्याशी पर निशाना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़सर में कहा कि यहां सुभाष डटवालिया को टिकट उनकी ईमानदारी की वजह से दिया गया है। बड़सर में ईमान की लड़ाई बेईमानी से है। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव है। यहां 4 लोकसभा सीट के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। मंगलवार यानी 21 मई को मुख्यमंत्री बड़सर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुँचे।
कंगना रनौत का विक्रमादित्य सिंह पर बड़ा हमला, ये इन लोगों का पैसा खाने के लिए। हिमाचल प्रदेश में सातवीं और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार प्रचार में जुटी हुई हैं। मंगलवार को कंगना रनौत प्रचार के लिए जिला चंबा के दूर दराज के इलाके पांगी पहुंची। यहां उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर जमकर निशाना साधा। पांगी में जनसभा को संबोधित करते हुए कंगना रनौत ने कांग्रेस और विक्रमादित्य सिंह को जमकर आड़े हाथ लिया।